मैं हमारे आज के विशिष्ट अतिथि मिस्टर विशाल गोप को आमंत्रित करता हूं स्टेज पे कि कृपया वो एक बार स्टेज पे आए। विशाल गोप जी, ये हमारे डीएल फाउंडेशन के फाउंडर और युवा मोर्चा प्रेसिडेंट जेएमएम के अध्यक्ष हैं चाईबासा के, और हमारे बीच उपस्थित मिस गोजस दिव्या, मिस ऋतुपुरी से भी आग्रह होगा कि कृपया वो स्टेज पे आए। हमारे बीच जज के तौर पे गोल्डी रंधावा जी, जो कि मिस्टर झारखंड मॉडल एंड कोरियोग्राफर है, उनसे भी आग्रह होगा कि कृपया वो स्टेज पे आए। हमारे बीच प्रीवियस ईयर्स के 2019 के मिस्टर सिंभू, मिस्टर कमलदीप सिंह से भी रिक्वेस्ट होगा कि कृपया वो स्टेज पे आए। हमारे बीच मिस सिंभू 2019, उनसे भी आग्रह होगा कि कृपया वो स्टेज पे आए। एक बार जोरदार तालियां बजाएं सभी के लिए। सबसे पहले मैं हमारे बीच ऋतुपुरी मैम भी उपस्थित है, तो उनसे भी थोड़ा जान लें कि कैसा लग रहा है यहाँ इस चाईबासा में आकर, कि जो ये प्रोग्राम हो रहा है कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस अभी तक का। या सबसे पहले तो मैं थैंक यू पूरी टीम को बोलना चाहती हूँ, बिकॉज ये शो बहुत अमेजिंग रहा। मेरे लिए फर्स्ट विजिट है चाईबासा में, एंड यहाँ के टैलेंट को मैंने देखा तो आई वाज लाइक वेरी अमेज्ड। आई एम वेरी हैप्पी कि जब झारखंड के लोग इतना आगे बढ़ते हैं, इतना टैलेंट्स उसमें आता है, तो आई फील वेरी अमेज्ड टू सी दिस। एंड आज फाइनली मिस्टर एंड मिस सिंह मिलेंगे, बट मैं एक मैसेज सारी कंटेस्टेंट को बैक स्टेज में देना चाहती हूँ। इट डजंट मैटर कि अगर आज आप हार जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि आपने बेस्ट नहीं दिया। मुझे लगता है कि यहाँ के सारे कंटेस्टेंट ने अपना 100% दिया, और मेरे लिए पर्सनली मेरे लिए वो विनर है। अगर आज यहाँ पे विन नहीं कर पाए, दैट्स कोई बात नहीं, स्टेट लेवल पे जाओ, नेशनल लेवल पे जाओ और अपने स्टेट को प्राउड करो। सो आई थिंक ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कंटेस्टेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द टीम फॉर इन्वाइटिंग मी एज अ जज। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। एक हमारे बीच पिछले साल के विनर मिस्टर कमलदीप सिंह से भी चाहूँगा कि एक बार वो हमारे बीच कुछ बताएं, एक्सपीरियंस फिर से रखें कि अभी तक कैसा लगा प्रोग्राम। एक बार फिर से आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। सो आई होप आप लोगों ने शो को एंजॉय किया, एंड अभी जैसा मैम ने कहा कि अभी तुरंत कुछ ही देरों को एक नया मिस्टर एंड मिस सिंघू मिलने वाला है, राइट। सो मैम सभी लोगों को एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहा हूँ, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे जो कॉम्पिटिशन लेवल हैं वो पिक पे रहेंगे, और चाईबासा से इस तरह न्यू टैलेंट्स अपग्रो होकर के आते रहेंगे, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी गुड फॉर ऑल द कंटेस्टेंट्स। और जो कंटेस्टेंट्स आज टैग्स नहीं लेकर के जाते हैं, उन लोगों के लिए भी यही मैसेज है कि प्लीज़ हार मत मानिएगा। मैं भी पिछले 3 साल से मिस्टर सिंघू बनने के लिए ट्राई कर रहा था, 2017, 2018, 2019, आफ्टर ऑल इन 2020 आई बिकम मिस्टर सिंघू। तो ये जो एक होता है ना कि हार करके जीतना, ये वाली जो फीलिंग होती है वो कुछ अलग सी फीलिंग होती है, और ये मैंने फील किया लिटरली। मैं अपने लाइफ को लेकर के बोल रहा हूँ, ये मैंने फील किया है कि एक हार के जीत करके जो बोलते हैं ना डायलॉग है समथिंग, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, राइट। सो काइंड ऑफ लाइक दैट ओनली। सत श्री अकाल। तो मैं यही आप सभी लोगों को बोलूंगा जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं पीछे में, कि अगर आप लोग आज टाइटल विन नहीं भी करते हो तो दिमाग में एक चीज हमेशा रखिएगा कि नेक्स्ट टाइम अपन आएंगे फिर से और कोशिश करेंगे और जीत करके जाएंगे, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू कमल। हमारे बीच प्रीवियस ईयर की विनर मिस सिंभूम देवश्री सरकार, उनसे भी आग्रह करूंगा कि दो सब इस प्रोग्राम के बारे में बताएं। गुड इवनिंग आप सबको, और थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल एसबीएस ग्रुप कि मुझे जजिंग का अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और जैसा कि मैम ने कहा कि बैक स्टेज के लिए मेरा भी एक मैसेज है सबके लिए कि जो भी विन होता है वो आगे जाकर, इसका मतलब ये नहीं कि वो लाइफ में सब कुछ हासिल कर लेगा, और जो हार जाता है वो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो मेरे तरफ से भी यही है कि सबको अपना टैलेंट एटलीस्ट सबके सामने रखना चाहिए जितना भी उसको आता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। टॉप 11 गर्ल्स, फर्स्ट टैग नंबर 14, टैग नंबर 14, टैग नंबर 14, द नेक्स्ट टैग नंबर इज 12, टैग नंबर 12, टैग नंबर
9 ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेनोरिटा, मगर फिर भी ना जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है। अच्छा आपको हिंदी में कंफर्टेबल है इंग्लिश में? मुझे बताओ आप कि अगर आप मिस सिंघम बनती हो तो यूथ के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा मैसेज ये रहेगा कि हम जानते हैं कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कभी भी हमें मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें हमेशा डट कर सामना करना चाहिए। जैसे कि सर कुछ देर पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं टॉप 10 11 में नहीं आऊँगी, बट पता नहीं कैसे हुआ। बट थैंक यू सो मच सर, मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप अपने आप को कभी किसी से कम नहीं समझते। रैंप क्या होता है? रैंप किसे कहते हैं? मैं वॉक की बात नहीं कर रहा, रैंप किसे कहते हैं? ओके थैंक यू। And I would also like to thank the management team of SPS Group for organizing such a beautiful event. Hello, I am Sakshi Singh. Tag number 9 from Chaibasa, Jharkhand. I am 17 and basically I am a fresher. Thank you. Hi, contestant number 9. Hello, ma'am. Hi. So, you said that ki aap fresher ho. Yes, ma'am. ठीक है, so मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर आप आज के टाइटल जीत जाते हो, yes ma'am, ठीक है, तो आप आगे मैसेज तो नहीं बोलूंगी because already they have given. So what is the one message you want to give to the women out there in Chaibasa? In Chaibasa. वो कौन सा मैसेज होगा? ma'am, आज के डेट में we know that चीज़ें काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पे जो है हमारा जो माइंड है वो काफ़ी बैकवर्ड स्टेट में, पीपल कुछ चीज़ को मान करके चलते हैं अभी। सो चाईबासा भी पहले से काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ है, बट कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर आज भी वुमेन्स को वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती या फिर उतनी फ्रीडम नहीं मिलती, और टैलेंट होने के बावजूद भी वो आगे नहीं आ पाती। फैमिली रिस्ट्रिक्शंस हो गए, फिर समाज क्या बोलेगा, ये वो ये सब के चक्कर में। चाईबासा इज ऑल्सो नाउ डेवलपिंग सिटी, मतलब डेवलपिंग क्या, डेवलप सिटी ही हो चुका है। इट्स कॉमन, सो ये माइंड सेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है चेंज होने के लिए, एंड एवरी वुमन शुड गेट चांस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। विनर, थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। जिन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होते जा रहा है प्लीज बैक स्टेज चले। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे समक्ष उपस्थित हमारे न्यू अतिथिगण, उन्हें मेरा आदरणीय नमन है, और हमारे प्यारे चाईबासा वासी उन्हें मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मेरा नाम कशिका सुप्रिया शेखर है, मैं कैंडिडेट नीला विजन की वाइफ हूँ। मैं जॉलीवुड एक्ट्रेस हूँ और बताना चाहती हूँ कि मैं सिंघम में मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए मैं SBS ग्रुप का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। जैसा कि जानना बताना चाहती हूँ कि मैं एक जॉलीवुड एक्ट्रेस हूँ और मैं अपना मॉडलिंग के करियर पर अपना देना चाहती हूँ योगदान। और मेरी मम्मी कहती है, मंजिलें चाहे कितनी भी मुश्किल हो परिश्रम हमेशा करना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो। धन्यवाद। गुड इवनिंग कंटेस्टेंट नंबर 12। गुड इवनिंग सर। ओके, माय क्वेश्चन इज फॉर यू, इट विल बी हिंदी और इन इंग्लिश। हिंदी सर। अगर आपको कहा जाए कि अपने आप को किसी एनिमल के साथ में कंपेयर करना है, तो वो कौन सा एनिमल होगा और क्यों? आई लाइक कैट सर। व्हाई? व्हाई क्यों सर? क्योंकि वो स्माइल करती है, जो म्याओ करती है, मैं जब इस टाइप से म्याओ करती हूँ तो सब मुझे कैट बोलते हैं एज अ फ्रेंड सर्कल में, तो मैं उसमें करती हूँ तो मुझे कैट भी बोला जाता है। ओके,
आज से 5 साल बाद अपने आप को आप मॉडलिंग करियर पर कहाँ देखना चाहते हैं? सर मैं मॉडलिंग करियर में उस मुकाम पर हासिल करना चाहती हूँ, उस मुकाम पर जाना चाहती हूँ जहाँ मेरी मम्मा मेरी मुझे देखना चाहती हूँ। मैं अपने आप को उस मुकाम पर ले जाना चाहती हूँ ताकि लोगों को मैं बता सकूँ कि जितनी मेहनत वो अपने अपने आप को देंगे, खुद से प्यार करेंगे, तो वो उस लेवल पर पहुँच पाएंगे जहाँ तक वो सोचते हैं और प्यार करते हैं खुद से, और वो उनके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। सर मिस यूनिवर्स 2021 का शो कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है? जो मिस यूनिवर्स बनी है उनका नाम बताओ। तो 2021 यूनिवर्स का सर मिराज सिंधु, मिराज कौर सिंधु सर। प्लीज कम अगेन मिराज कौर सिंधु, मिराज कौर सिंधु सर। ओके थैंक यू, थैंक यू सर। नमस्ते चायवासा, यहाँ मौजूद सभी जनों को मेरा आदरपूर्ण नमन और मेरे प्यारे जूरी मेंबर्स को मेरा तहे दिल से नमस्कार। मेरा नाम शिफाली दास है, मैं चायवासा झारखंड से हूँ। कंटेस्टेंट नंबर 7, कद 5 फुट, कद ज्यादा ऊंची नहीं है मेरी पर आसमानों को छूने की तमन्ना रखती हूँ। विनिंग ट्रॉफी भले मैं ना ही जीतूं पर लोगों का दिल जीत कर जाना चाहती हूं। जैसे कि मैंने कहा मेरा नाम शेफाली है, शेफाली का मतलब एक सफ़ेद फूल जिसकी एक मनमोहक खुशबू होती है। मैं वही मनमोहक खुशबू बनकर लोगों की मुरझाई हुई जिंदगी को खुशहाली में बदलना चाहती हूं। मैं लोगों की सहायता करना चाहती हूं और मेरे माता पिता मेरे प्रेरणा है, मेरे गुरु हैं, उनके आशीर्वाद और सपोर्ट से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। यहाँ से पहले अगस्त 2021 में मिस सावन ब्यूटी कॉन्टेस्ट 2021 जो कि रांची में हुआ था, मैं उसकी विजेता रही हूँ। बचपन से ही मुझे डांस का बड़ा ही शौक रहा है। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे मॉडलिंग में दिलचस्पी आने लगी और मुझे लगता है मिस्टर एंड मिस सिंगबूम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो छोटे शहर से भी बड़े बड़े कलाकारों को सुनहरा मौका देखे ताकि वो अपने हुनर को पूरी दुनिया के सामने पेश कर सके। और मैं पूरे SBS टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ऐसा सुनहरा मौका दिया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू, प्लीज वेयर द बैक साइड, गिव द माइक टू अनदर वन कंटेस्टेंट नंबर 8। छोटी सी आशा, मैं आशा कुमारी कंटेस्टेंट टैग नंबर 8, आप सभी जजेस जूरी मेंबर और यहाँ उपस्थित सभी चायवासा वासियों को प्रणाम करती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ SBS की पूरी टीम को जिन्होंने मुझे ये मौका दिया अपने हुनर को प्रदर्शित करने के लिए, इस मंच को प्रोवाइड करने के लिए। ये मेरा मॉडलिंग के लिए ये मेरा पहला शो है, मॉडलिंग की तरफ मेरा पहला कदम। थैंक यू। क्वेश्चन राउंड अभी नहीं होंगे, आप लोग अपना अच्छा अच्छा इंट्रो दीजिए एंड बैक स्टेज पे चले जाएं, ठीक है? माइक 4 नंबर टैग को दे दीजिए। क्वेश्चन राउंड नहीं होगा, जिनका इंट्रो होते जा रहा आप लोग प्लीज बैक स्टेज पे चले जाएं। नमस्ते एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू आवर रिस्पेक्टेड जूरी मेंबर्स। आई वांट टू एक्सप्रेस दैट फ्रॉम माय हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड दोज हु कम फ्रॉम चायवासा और अदर प्लेसेस। आई वार्मली थैंक यू you guys that you come to this show to watch us. Okay, so I am Dipti Bhanchdev and I'm contestant number 4, 5.3 inches. I live in Chaibasa but currently I'm pursuing my graduation from Jamshedpur. As I stand over here with high dreams to achieve my goals, so at last I want to say, if you want to achieve your goals, so there are 3 keys to success, and that is hard work, consistency and focus. At last, I would like to thank the whole members of SBS Group to give us the opportunity to showcase our talent. Losing or winning is not in our hand, but koshish karna ye hamare haath mein. Thank you so much. Good evening, beautiful juries, and good evening, Chaibasa's reason. Mera naam Priya Khesh hai. टेक नंबर 1, मैं चायवासा की रहने वाली हूँ बट बेसिकली मैं जमशेदपुर से आई हूँ। मैं जमशेदपुर करीम सिटी कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही हूँ। मैं संथाली एक्ट्रेस हूँ जिसमें मैंने बहुत सारे संथाली वीडियोस एल्बम्स में काम किया है और साथ में नागपुरी हिंदी को सब में काम किया है मैंने। और मैं कबड्डी चैम्पियनशिप भी रह चुकी हूँ, कबड्डी चैम्पियन रह चुकी हूँ। और मैं
और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मॉडलिंग मेरे लिए पार्ट ऑफ द लाइफ है, क्योंकि मैं इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास वो पर्सनालिटी है जो मैं वेस्ट नहीं करना चाहती। एक टाइम बाद मुझे ये ना लगे कि मैंने वो चीज़ नहीं किया जो मेरे अंदर था। सो थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज तेजल कुमारी एंड आई एम फ्रॉम जमशेदपुर। माय हॉबी इज डांसिंग, सिंगिंग एंड ट्रैवलिंग। Currently, I'm doing a job in an interior designing office. And I am over here to represent myself as a model. And in future, it's my dream that I become a supermodel. Thank you. I'm sorry, please beg my pardon. My hobbies include yoga, boxing, listening to music, and reading books. I belong from an army background and currently I'm standing over here to explore my talents in modeling. Thank you so much.